नमस्कार, दिनभर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आंचल। आज इस बुलेटिन में बात होगी छठे चरण के लिए तेज हुए चुनाव प्रचार की, बीजेपी को चुनाव आयोग की सख्त हिदायत की, जानेंगे मोदी सरकार पर कांग्रेस ने लगाए बड़े घोटाले के आरोपों को, आपके बड़े खुलासे को, और देखेंगे हेमंत सोरेन की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई को। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। लेकिन उससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। बंगाल में 2010 के बाद जारी सभी ओबीसी सर्टिफिकेट रद्द, एससी ने किया बड़ा फैसला। ममता ने बीजेपी पर लगाया ओबीसी का आरक्षण छीनने का आरोप। पंजाब में वोटिंग से पहले ईसी का बड़ा फैसला, जालंधर और लुधियाना के पुलिस कमिश्नर का किया ट्रांसफर। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी पर साधा निशाना, बोले भाजपा का 400 पार मजाक, इंडिया गठबंधन 300 से ज्यादा सीटें जीतेगा। शेयर बाजार में तेजी, 267 अंकों की तेजी के साथ 74,221 पर बंद हुआ सेंसेक्स, तो 68 अंकों की तेजी के साथ 22,597 पर बंद हुआ निफ्टी। ये तो थी सुर्खियां, अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। लोकसभा चुनाव में छठे और सातवें चरण के लिए प्रचार तेज है। सभी सियासी दल जनता को लुभाने में लगे हुए हैं। कांग्रेस और बीजेपी में सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है। ऐसे में राहुल गांधी ने किसानों के गढ़ में जनसभा की, तो अखिलेश ने आजमगढ़ में रैली। उन्होंने मोदी सरकार पर तीखा हमला किया, तो क्या कुछ रहा आज खास, देखिए इस रिपोर्ट में। कांग्रेस नेता राहुल गांधी बुधवार को हरियाणा दौरे पर रहे। सबसे पहले उन्होंने चरखी दादरी में पार्टी उम्मीदवार रावदान सिंह के समर्थन में रैली की। इसके बाद वो सोनीपत पहुंचे। जनसभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने इंडिया गठबंधन की जीत का दावा किया, तो वहीं उन्होंने मोदी सरकार को भी जमकर घेरा। राहुल ने कहा, जब हिंदुस्तान का किसान नरेंद्र मोदी से कर्ज माफी मांगता है तो कहा जाता है कर्ज माफ करने से किसानों की आदत बिगड़ती है, लेकिन अडानी अंबानी जैसे अरबपतियों की आदत नहीं बिगड़ती। जिसको जो कहना है कहो, जो लिखना है लिखो, इंडिया की सरकार बनते ही हम किसानों का कर्ज माफ करने जा रहे हैं। राहुल ने कहा, सेना अग्निवीर योजना नहीं चाहती, इंडिया की सरकार आएगी अग्निवीर योजना को उठाकर हम कूड़ेदान में फेंक देंगे। राहुल ने आगे कहा, वो हरियाणा की सभी 10 सीटें जीतेंगे। 4 जून को इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है, इसके एक महीने बाद 4 जुलाई को देश की करोड़ों महिलाओं के खाते में 8,500 रुपए आएंगे। राहुल हरियाणा में प्रचार कर रहे थे तो सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने आजमगढ़ में रैली की। इस दौरान उन्होंने पीएम के बयान पर पलटवार करते हुए कहा, ये लोग जो कहते हैं शहजादे शहजादे, इस बार दोनों शहजादे मिलकर ऐसी शह देंगे और जनता ऐसी मात देगी कि इनका पता नहीं लगेगा। जो हमें और आपको 400 पार का नारा देकर डरा रहे थे, वो इस बार जान गए हैं कि 400 पार नहीं 400 हार होने जा रही है। 4 जून को जब परिणाम आएगा, उनको 140 करोड़ देश की जनता 140 सीटों पर पहुंचा देगी। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को श्रावस्ती में रैली को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि वंचितों का जो अधिकार है, मोदी उसका चौकीदार है। एक तरफ कांग्रेस ने बीजेपी को घेर लिया है, तो वहीं बीजेपी चुनाव आयोग के निशाने पर आ गई है। चुनाव आयोग ने बीजेपी को कड़ी हिदायत दी है। आयोग ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को नोटिस भेजा है, जिससे बीजेपी की मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। तो क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार अभियान अब अपने अंतिम चरण की ओर बढ़ रहा है। इस बीच चुनाव आयोग काफी सक्रिय नजर आ रहा है। चुनाव आयोग ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को नोटिस जारी कर दिया है। इसके जरिए आयोग ने बीजेपी को सख्त हिदायत देते हुए धार्मिक मुद्दों पर भाषण पर रोक लगाने की बात कही है। आयोग ने नड्डा को नसीहत दी है कि वो अपनी पार्टी के सभी स्टार प्रचारकों को ये सलाह दे कि वो धार्मिक मसलों को राजनीति में ना घसीटे। आयोग ने बीजेपी को ध्यान दिलाया कि वे जाति, धर्म, भाषा और क्षेत्रीय आधार पर टिप्पणियां ना करें। स्टार प्रचारकों को कैंपेन में सांप्रदायिक आधार पर विभाजन पैदा करने वाली बातें नहीं कहनी चाहिए। निर्वाचन आयोग ने बीजेपी एवं उसके स्टार प्रचारकों को धार्मिक और सांप्रदायिक आधार पर चुनाव प्रचार करने से दूर रहने का निर्देश दिया, और साथ ही आयोग ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को भी नोटिस जारी किया है और नोटिस जारी कर डिफेंस फोर्सेस का राजनीतिकरण न करने की सलाह दी है। पिछले 2 दिन में आयोग की ये दूसरी सख्त कार्रवाई सामने आई है। बीते दिन मंगलवार को आयोग ने पश्चिम बंगाल के तमलुक से बीजेपी प्रत्याशी व कोलकाता हाईकोर्ट के पूर्व जज जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय के प्रचार प्रसार पर 24 घंटे के लिए रोक लगा दी थी। उन पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर आपत्तिजनक टिप्पणी के आरोप थे और अब बीजेपी के धार्मिक मुद्दों पर भाषण देने पर रोक लगाता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको बता दें, विपक्ष लंबे वक्त से पीएम मोदी पर हेट स्पीच देने का, बीजेपी पर धार्मिक मुद्दों पर ध्रुवीकरण करने का आरोप लगा रहा है।
इससे जुड़ी कई शिकायतें आयोग के पास जा चुकी हैं, लेकिन आयोग ने अब तक कोई कार्रवाई नहीं की थी और अब इस सिलसिले में नड्डा को नोटिस जारी कर दिया है। ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि आयोग की नोटिस का बीजेपी पर कितना असर होता है। चुनाव आयोग ने बीजेपी के भाषण पर रोक लगा दी है, तो वहीं चुनाव के बीच बीजेपी गंभीर आरोपों से घिरती हुई नजर आ रही है। विपक्ष लगातार मोदी अडानी के संबंधों पर सवाल उठाता रहा है। इस बीच एक रिपोर्ट भी सामने आई है। रिपोर्ट में एक बड़ा खुलासा हुआ है जिससे अडानी पर कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं। क्या है पूरा मामला, क्या खुलासा आया सामने, देखिए इस रिपोर्ट में। मोदी अडानी कनेक्शन पर मोदी सरकार अब बुरी तरह घिरती हुई नजर आ रही है। इस बार विपक्ष ने एक मीडिया रिपोर्ट को लेकर मोदी सरकार को घेर लिया है। दरअसल हाल ही में एक रिपोर्ट सामने आई है जिसमें भारत में बड़े कोयले घोटाले की आशंका जताई गई है। अडानी ग्रुप पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि उन्होंने खराब गुणवत्ता वाले कोयले को उच्च मूल्य वाले ईंधन के रूप में बेचा है। अडानी ग्रुप पर तो धोखाधड़ी के आरोप लग ही रहे हैं, लेकिन साथ ही सवाल बीजेपी सरकार पर भी उठ रहे हैं। मामले में मोदी सरकार को घेरते हुए कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने ट्वीट कर लिखा कि बीजेपी सरकार में भीषण कोयला घोटाला सामने आया है। वर्षों से चल रहे इस घोटाले के जरिए मोदी जी के प्रिय मित्र अडानी ने लो ग्रेड कोयले को 3 गुने दाम पर बेचकर हजारों करोड़ रुपए लूटे हैं, जिसकी कीमत आम जनता ने बिजली का महंगा बिल भरकर अपनी जेब से चुकाई है। क्या प्रधानमंत्री बताएंगे इस खुले भ्रष्टाचार पर ईडी, सीबीआई और आईटी को शांत रखने के लिए कितने टेम्पो लगे। 4 जून के बाद इंडिया की सरकार इस महा घोटाले की जांच कर जनता से लूटी गई पाई पाई का हिसाब करेगी। तो वहीं कांग्रेस ने भी अपने आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल पर लिखा कि अडानी का कोयला विदेशों से भारत पहुंचकर कई गुना महंगा हो जाता है। अडानी ने इस तरह देश के लोगों से हजारों करोड़ रुपए लूटे हैं, लेकिन ये लूट जारी है क्योंकि नरेंद्र मोदी खुद अडानी की रक्षा कर रहे हैं। वहीं दूसरी ट्वीट में कांग्रेस ने पार्टी महासचिव जयराम रमेश का वक्तव्य साझा करते हुए लिखा कि एक रिपोर्ट के मुताबिक अडानी की कंपनी ने इंडोनेशिया से घटिया क्वालिटी का कोयला खरीदा और उसे 3 गुना कीमत पर भारत में बेच दिया। पीएम मोदी के मित्र अडानी ने ऐसा कर करीब 3,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त मुनाफा कमाया। वहीं देश के लोगों की जान वायु प्रदूषण के चलते संकट में डाल दी गई। बता दें कि प्रदूषण के कारण भारत में हर साल 20 लाख लोगों की जान जाती है। इन सब परिस्थितियों को देखते हुए अडानी बड़े आरोपों से घिरता हुआ नजर आ रहा है, तो मोदी सरकार की भी हवाइयां उड़ी हुई हैं। एक तरफ अडानी के मुद्दे पर बीजेपी बैकफुट पर आ गई है, तो वहीं आम आदमी पार्टी नेता आतिशी ने बीजेपी को मुश्किल में डाल दिया है। आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी को लेकर बड़ा खुलासा किया है। आतिशी का कहना है कि बीजेपी एक नया षड्यंत्र रच रही है। तो क्या खुलासा किया आतिशी ने, देखिए इस रिपोर्ट में। आम आदमी पार्टी लगातार बीजेपी पर हमलावर है। 25 मई को छठे चरण में वोटिंग होनी है, जिसको लेकर सियासी घमासान जारी है। ऐसे में आतिशी ने बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान मंत्री आतिशी ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कई बड़े खुलासे भी किए हैं। उन्होंने कहा कि 25 मई तक बीजेपी नई नई साजिश करने की कोशिश करती रहेगी। आतिशी ने आरोप लगाया कि भीषण गर्मी के बीच और दिल्ली लोकसभा चुनाव से पहले हरियाणा की बीजेपी सरकार यमुना का पानी रोक रही है। हरियाणा सरकार धीरे धीरे दिल्ली का पानी रोक रही है ताकि जनता को परेशान किया जा सके। 11 मई से दिल्ली के पानी को रोकने की साजिश जारी है। दिल्ली की सभी 7 सीटों पर वोटिंग से पहले भारतीय जनता पार्टी एक नया षड्यंत्र करने में जुटी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आतिशी ने इलेक्टोरल बॉन्ड का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा, आजाद भारत का सबसे बड़ा घोटाला बीजेपी ने किया है और अब उसका पर्दाफाश हो चुका है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार का अंत नजदीक है और वो सिर्फ 4 जून तक ही साजिशें रच सकते हैं। 4 जून को जैसे ही इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, सबसे बड़े घोटाले की जांच की जाएगी। ईडी सीबीआई के अफसरों को भी जेल में डाला जाएगा। एक तरफ आतिशी ने बीजेपी की साजिश का पर्दाफाश करने का दावा किया है, तो दूसरी तरफ झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को लेकर साफ हो गया है कि वो चुनाव के लिए प्रचार कर पाएंगे या नहीं। सोरेन ने चुनाव में प्रचार करने के लिए जमानत की याचिका दाखिल की थी, देखिए खास रिपोर्ट। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 31 जनवरी से ईडी की हिरासत में हैं। उनकी जमानत याचिका पर बुधवार को एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, लेकिन कोर्ट से उन्हें कोई राहत नहीं मिली और उन्होंने अपनी याचिका भी वापस ले ली। जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की वेकेशन बेंच ने मामले में सुनवाई की। हेमंत सोरेन ने एक तरफ कोर्ट में जमानत के लिए याचिका दाखिल की है, तो दूसरी तरफ अपनी गिरफ्तारी को भी चुनौती दी है। सोरेन ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत का हवाला देते हुए चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत की मांग की थी। इस पर ईडी ने दलील दी कि अगर हेमंत सोरेन को चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत दी जाती है,
तो जेल में बंद सभी नेता जमानत की मांग करेंगे। वहीं कोर्ट ने कहा कि वो सोरेन की याचिका से संतुष्ट नहीं है। सोरेन की याचिका पर सवाल उठाते हुए बेंच ने कहा कि मामले को लेकर ईडी ने चार्जशीट दायर कर दी है, इसका संज्ञान ट्रायल कोर्ट ले चुका है, लेकिन आपकी याचिका में ये तथ्य है ही नहीं। इस पर सोरेन के वकील कपिल सिब्बल ने ये कहते हुए हेमंत सोरेन का बचाव करने की कोशिश की कि वह हिरासत में है और उन्हें अदालतों में दायर की जा रही याचिकाओं के बारे में कोई जानकारी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह मामले के गुण दोष पर विचार किए बिना गिरफ्तारी के खिलाफ उनकी याचिका खारिज करेगा। कोर्ट ने सिब्बल को ये याचिका वापस लेने की नसीहत दी और सिब्बल ने ये याचिका वापस ले ली। आपको बता दें, सोरेन भूमि घोटाला से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में रांची की जेल में बंद है। हेमंत सोरेन को सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत नहीं मिल पाई है, तो दूसरी तरफ लोकसभा चुनाव में बीजेपी के लिए कहीं से भी राहत की खबर नहीं मिल रही है। अब पीएम ही घिरते हुए नजर आ रहे हैं। पीएम मोदी ने भगवान जगन्नाथ के मंदिर को लेकर विवादित बयान दिया, जिसके बाद विपक्ष ने पीएम को घेर लिया है। अभी भगवान जगन्नाथ पर विवादित बयान देने पर संबित पात्रा का मामला शांत हुआ नहीं था कि अब भगवान जगन्नाथ मंदिर पर पीएम मोदी ने विवादित बयान दे दिया है और अब पीएम के इस बयान को तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने भगवान जगन्नाथ का अपमान बताया है। स्टालिन ने पीएम के बयान का जिक्र करते हुए कहा कि उड़ीसा के पुरी में जगन्नाथ मंदिर के रतन भंडार की गायब चाबियां तमिलनाडु भेजी गई थी। ये पीएम मोदी की टिप्पणी उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के करीबी सहयोगी वी के पांड्यान, जो कि तमिलनाडु से है, उनकी ओर निर्देशित थी। पीएम मोदी की ये टिप्पणी भगवान जगन्नाथ का अपमान है। पीएम के ये भाषण उड़ीसा के लोगों को तमिलनाडु के खिलाफ नहीं उकसा रहे हैं क्या? पीएम को तमिलों के प्रति इतनी नफरत क्यों है? जब पीएम तमिलनाडु आते हैं तो वे तमिल भाषा और बुद्धिजीवियों की प्रशंसा करते हैं, लेकिन जब वे उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उड़ीसा आदि राज्यों में जाते हैं तो तमिलों को चोर घृणित लोगों के रूप में चित्रित करते हैं। प्रधानमंत्री को वोट के लिए तमिलनाडु और तमिलों को बदनाम करना बंद करना चाहिए। पीएम मोदी अपने नफरत भरे भाषणों के जरिए राज्यों के बीच नफरत और दुश्मनी भड़काने का काम करते हैं। ये पीएम मोदी का दोहरा मापदंड है। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को पुरी के जगन्नाथ मंदिर में रोड शो किया और रैलियां की, जहां पीएम ने कहा था कि बीजेपी शासन में पुरी स्थित जगन्नाथ मंदिर सुरक्षित नहीं है। रतन भंडार की चाबियां पिछले 6 साल से गायब है। पीएम मोदी मुश्किल में फंसे हुए हैं तो पश्चिम बंगाल के राज्यपाल की भी मुश्किलें कम होती नहीं दिख रही हैं। महिला के साथ छेड़खानी के मामले में बंगाल पुलिस एक्शन ले रही है। पश्चिम बंगाल की पुलिस ने राज्यपाल पर लगे छेड़खानी के आरोप मामले में राजभवन के 4 अधिकारी को तलब किया है। पुलिस की ओर से ये कदम मामले की जांच के सिलसिले में उठाया गया है। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीबी आनंद बोस पर महिला के छेड़खानी के मामले में लगातार पश्चिम बंगाल की पुलिस एक्शन ले रही है। अब इस मामले में पुलिस ने राजभवन के 4 अधिकारियों को समन भेजा है। पुलिस की ओर से ये कदम मामले की जांच के सिलसिले में उठाया गया है। बता दें कि राजभवन के इन 4 अधिकारियों ने महिला को राज्यपाल के कार्यालय से रोते हुए बाहर निकलते देखा था। छेड़छाड़ की कथित घटना के वक्त ये 4 अधिकारी राजभवन में मौजूद थे, इसीलिए हमारी ओर से उन्हें समन भेजकर पूछताछ के लिए बुलाया गया है। इसी के साथ महिला ने भारतीय दंड संहिता की धारा 164 के तहत मजिस्ट्रेट के सामने अपना बयान दर्ज कराते हुए 4 अधिकारियों के नाम लिए थे और राजभवन की संविदा कर्मचारी ने 2 मई को बोस पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया था, जिसके बाद बंगाल पुलिस ने जांच शुरू की, लेकिन राज्यपाल ने अपने ऊपर लगे आरोपों को बेतुका और राजनीतिक साजिश बताया था, लेकिन मामले में सियासत गर्म होता देख पुलिस ने कार्रवाई शुरू की। बता दें कि इससे पहले महिला को गलत तरीके से रोकने के आरोप में राजभवन के 3 अधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। वहीं इस महीने के 2 सप्ताह में राज्यपाल सीबी आनंद बोस ने फुटेज को जनता के लिए जारी करने का फैसला किया। राजभवन की ओर से फुटेज जारी होने के बाद राज्यपाल ने मुख्य सचिव को पत्र लिखकर बंगाल पुलिस की ओर से चल रही जांच को तुरंत बंद करने को कहा था। अब राजभवन के 4 अधिकारियों को समन भेजे जाने के बाद ये बात साफ हो गई है कि पुलिस ने मामले की जांच अभी बंद नहीं की है। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान के किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। बहुत देर से दर पे आंखें लगी थी, हुजूर आते आते बहुत देर तक। चुनाव आयोग ने आज आखिर सर्कुलर जारी किया और कांग्रेस और बीजेपी के अध्यक्ष को कहा कि वो अपने अपने नेताओं को अपनी जुबान पर संयम रखने के लिए कहें। चुनाव आयोग जी, वैसे तो हफ्ता 10 दिन की बात और रह गई थी, अगर आप ये सब नहीं करते तब भी काम चल सकता था,
क्योंकि हिंदू मुस्लिम और नफरत की जुबान बोल करके इस बीच में देश का जो नुकसान होना था वो तो हो ही चुका। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान जी। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही, देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।